दिल पे पत्थर रखे कितने नोट जमा करके आने पड़ेंगे हमें। पेन फाइट देखो क्लास में, ये पिटबुल मेरा कैप दिखा दो। हमारे आएगा कैंटीन खतरनाक के बाद, अपनी चाय रेडी हो रही है, वैन है पूरी की पूरी। देखो लड़का वॉशरूम का आ रहा है, लड़के का होता है ना बिल्कुल चमका हुआ होता है लड़के, अपना फोटो वोटो खींचने के लिए। ये देखो हमारी क्लास का टूटा हुआ सिक। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है, आज मैं अपना पूरा शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगा। सो जो भी होता है आपको बताऊंगा, कॉलेज वॉलेज में जो भी सीन होएगा सब आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मेरी गाड़ी की इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है, मैंने बुआ को बोला है गाड़ी धोने के लिए। फिलहाल अब मैं थोड़ी इसको धो देता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या कंडीशन हुई पड़ी है। रुको, ये देखो अब बुआ धो रही है बेचारी मेरी गाड़ी से, बोला था मैंने पूरी मिट्टी देखो तुम भयंकर, इस पर चाहे नाम लिख लो तुम, इतनी खतरनाक मिट्टी जमी पड़ी थी आगे, तो इसने पानी मार दिया। हाँ सैंपल आ रहा मैं अभी आगे, तो इसने पानी मार दिया, अब पूरी धोता हूँ मैं शैम्पू वैम्पू लगा। सो जी, ये लैपटॉप में यहाँ पे लेके आया था ठीक करा के, काफ़ी दिनों से इसका वो चल रहा था कि इसे ठीक कराना है ठीक कराना है। फाइनली मैंने ठीक तो करा लिया था, बट वही कंडीशन है इसकी, पता नहीं क्या ही ठीक करके दिया उन्होंने। अब पापा को बोला मैंने कहा दोबारा लेके जाओ, अब इसको रिप्लेस ही करा देंगे, अब तो मुश्किल ही है मैं इसे रखूँगा, क्योंकि एडिटिंग मुझे इससे करनी है। अब मुझे गोप्रो वगैरह लेने हैं, तब बहुत दिक्कत हो रही है मुझे इस फ़ोन से हर चीज़ मैनेज करने में, हर चीज़ में इसी से करता हूँ, एडिटिंग वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो वगैरह हर चीज़ में इसी फ़ोन से करता हूँ, तब वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। सो अब मैंने पापा जी को कहा था कि इसे ठीक करा दो, बट पापा ने बेचारे ने ठीक कराया, लेकिन उन्होंने ऐसे ठीक करके देखिए बस क्या ही बताऊँ। अब देखते हैं इसका क्या सीन करना है क्या नहीं करना है। और टेबल की हालत देखो तुम मेरी क्या हुई पड़ी है, लैम्प वैम्प सारा सामान मैंने इसी पर रख दिया था, घर वाला यार मैंने यहाँ पर भी बना दिया है। सो गाड़ी तो मेरी बुआ धो रही है, अब हम तैयार वैयार होते हैं, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। सो नाश्ता वास्ता करते हैं, सीधा या तो आपको कॉलेज में मिलेंगे या रेडी होकर मिलेंगे। गाड़ी की सर्विस तो बुआ ने डन कर दी, वह कितने रुपए लेगी? है 50 रुपए रेट चल रहा धोने का जो है इसका, 50 रुपए रेट चल रहा है, मैं वो 20 रुपए दे दूंगा वैसे, 20 रुपए में काम चल जाएगा। काफ़ी बढ़िया चमका दी देखो इसने, शैम्पू वैम्पू लगा के देखो यहाँ का गर्दा पूरा साफ कर दिया। ये कॉलेज पहुँच चुके हैं, फिलहाल अपना एक बच्चा भी गया है वॉशरूम में, अभी निकलेगा यहाँ से, बस अब जा रहे हैं अपने बच्चे की फीस जमा करने। कल तो मैं आया नहीं था, पापा की मैं लेट हो गया, देख पापा कह रहे देख पापा की फीस जमा करने जा रहे हैं, फीस बची हुई थी मेरे बच्चे की, अब चलते हैं अपने बेटे की फीस जमा करते हैं। डिफॉल्ट हो रहा है वहाँ पैसों का, मेरे दो लौंडे आ रहे हैं मेरे साथ, इसके पापा जा रहे हैं, एक पापा मेरे इसका एक पापा ये इसका, अब इसके फीस का सर वो करवा के आते, बिना हमारे मानता नहीं ना वहाँ, बिना हमारे चलने का नहीं काम। पार्किंग से होकर जाता है रास्ता फीस का, ये देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, तुम दबा के आजकल हम अंदर नहीं ला रहे क्योंकि हमारे पास हेलमेट नहीं रहता। ये रहा इधर जहाँ पे फीस जमा होती है, अब तुम भीड़ चेक करना। भाई के होंठ के सूख रहे हैं, क्या बात है, अच्छा गला सूख रहा है इसका, पैसे के लिए देने तो पड़ेंगे, अब क्या करें जब पढ़ाई कर रहा है, नहीं देने तो पड़ेंगे। अब कल तो इतनी भीड़ थी भाई यहाँ की, तुम्हें मैं क्या बताऊँ, आज चेक करते हैं हम कितनी भीड़ है, आज तो सन्नाटा पड़ा बिल्कुल, आज कुछ नहीं है। अभी से फॉर्म लेने भेजा हमने अपने बच्चे को, अब देखते हैं कब तक आएगा या फिर हमें बुलाएगा। अभी ना आना पड़ेगा क्या हमें हम लेके आ चुका है, अब हमें कह रहा पापा जी भरवा दो कैसे भरते हैं चल इसके सेकंड पापा बता रहे हैं इसे अब कैसे कैसे भरते हैं, चल बाबू चल बेटे। अभी हमसे क्लास छुटवा रहा है यार, बताओ ये सी कोई बात है, इतनी कोई बात है तो हमसे क्लास छुटवा रहा है, पर बच्चा अपने इसके लिए करना पड़ेगा भाई देखो धीरे धीरे भीड़ लगनी स्टार्ट होगी, लाखों रुपए खड़े इस टाइम ये आए एडवांस, कई लाख रुपए खड़े इस टाइम यार, मजा आ रहे कहना एडवांस का, नोटी तो मजा आते कहना एडवांस का, बिजनेस ऐसे ही करना जो लाइन लग के पैसे आए लो भाई ये जा रहे धीरे धीरे 40-40, 50-50 हज़ार रुपए आगे आगे बढ़ते जा रहे, इस टाइम ये आदमी थोड़ी है पैसे खड़े हमारा लौंडा भी पैसा भर रहा है, ये भी पैसे भर रहा है यहाँ पे देखो 40-50 हज़ार तो ये भी दे देगा, ले पापा से तो मांग ले, पापा साइन तो करा ले, चल तू कर दे आज मैं नहीं कर रहा है, चल कोई नहीं कर, ठीक है क्या हो गया 5,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस भी लेंगे इससे, आज इसने लेट जमा करी बताओ, लेकिन हम देंगे नहीं, लेकिन हम देने के नहीं भाई, अनशन चला दो इनके खिलाफ, साले कॉइन मिला रखा, दिल पे पत्थर रखे कितने नोट जमा करके आने पड़ेंगे अब हमें, और 6-4 रुपये जो इसमें बचेंगे ना ले गए वापस, देख बेचारे का मुँह भी उतर गया बताओ क्लास में बैठने बैठने कितने पैसे जा रही, गड्डी जा रही पूरी माँ बाप की मेहनत, ओह सॉरी हमारी मेहनत में जा रहे थे, 1 घंटे से खड़े हुए थे वहाँ, भाई ने बाद में बताया कि इसमें नहीं जा सकते, जब हम वहाँ से निकल गए तब जब हम अंदर घुसे ना तब कह रहे भैया आप इसमें नहीं जा सकते ये ओनली स्टाफ की है, चलो कर लो बात, 4-5 लाख रुपए जा रहे थे, सारे बच्चे फीस ही जमा करने जा रहे, उसे नीचे छोड़ के अब अपनी क्लास लेने जा रहे हैं हम,
इधर आ इधर आ, ये डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अपनी क्लास विलास लेते हैं हम, पर क्लास आज हमारी चेंज होगी इसलिए हमें मिल नहीं रही। हम ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं यहीं पे है यहीं पे। सो ये चेंज हो गया अपना डिपार्टमेंट, आज यहाँ पे देखते हैं कहाँ है अपनी क्लास। ढूंढते आर आर 201 डी। सो जी हम लेट हो चुके हैं, अब देखते हैं हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। ये अपनी पूरी क्लास बैठी, जो कुछ हमारी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। कैंटीन आया चाय पीने, मैक्रोनी खा ली हमने, अब चाय वाय पीते हैं। एक बच्चा हमारा आया नहीं आज, दोस्त आ गया है। एक घंटे से वेट कर रहे हैं चाय का, अब तक तो पहुंच ही नहीं। दिखाते तुम्हें वैन, रुको जहाँ चाय बन रही है। यहाँ पे अपनी चाय रेडी हो रही है, वैन है पूरी की पूरी, देखो ये पूरी वैन है, इसके अंदर अपनी चाय रेडी हो रही है। इधर अपना ग्राउंड पूरा छोटे वाला, उधर बड़ा ग्राउंड। हमारे यहाँ का कैंटीन खतरनाक जुगाड़, अब भैया मंचूरियन फ्राई करेंगे इसमें। ये कर रहे हैं पैन फाइट, देखो क्लास में ये पिटबुल मेरा। ओए कैप दिखा अपनी, कैप दिखा, ये देख अपनी पुरानी आदत ताज़ा कर रहे हैं। अब ये पैन फाइट खेल के खेलो, जो जीता वो सिकंदर खत्म। ओ अबे देवांश तो भूल गया यार, ढंग से नहीं खेल रहा। खिंचा के मार, खिंचा के मार, फंस गया अब तो तुम। खत्म, चलो भाई तो हार गया, निकाल सो निकाल सो। वॉशरूम का बहाना करके भाग चले क्लास से, कुछ हो नहीं रहा था। अभी तो क्यों आ गया हमारे साथ आज तो? लकड़ी की बनवा रखे स्लोप भी, लकड़ी के वो स्लोप भी लकड़ी की बनवा रखे। तो अब चलते हैं, घूमते हैं थोड़ी दूर, मजे लेते हैं। क्लास में कुछ हो नहीं रहा था, हम वॉशरूम का बहाना करके बाहर सीधा। लड़कों का वॉशरूम का अगर लड़के का होता ना बिल्कुल चमका हुआ होता, लड़कियाँ पूरे फोटो वोटो खींचने के लिए इसमें। जी हमारे जो वॉशरूम है लड़कों के, उनके शीशे ऐसे रहते हैं गंदे गंदे, और जो गर्ल्स का है ऐसे में फोटो खींचने जाऊँ बस, और कुछ नहीं, साफ सुथरे शीशे बिल्कुल। और हमारे पे धब्बे 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 हैं। एक ही शिकायत है हमें यहाँ के कर्मचारी से, जो साफ करते हैं शीशे विशे, और हमारे वॉशरूम में भी कर ले करो, हम भी फोटो वोटो खींच लेंगे। पहली बार आए हम फर्स्ट फ्लोर पर, और पहली बार यहाँ ऐसे खड़े हुए, देखो कितना ऐसा लग रहा है जैसे घर पर खड़े हुए, घर की जो सामने होता है ना, यहाँ से देखो कितना सेट सीन आ रहा है, ये भयंकर घर का आगे होना चाहिए। ऐसे तो बहुत प्यारा लगता है ये, और देखो ग्राउंड में बच्चे कैसे भरे पड़े। सो गाइस मम्मी पापा यार, इन्होंने मेरे मम्मी पापा की भी वीडियो बना रखी है, और बड़े ब्लॉगर के तो दिक्कत ही दिक्कत है। थोड़े से वायरल क्या हुए, तो ये हमारी फैमिली एक्सपोर्ट कर रहे मुझे कुछ कहने दी। हमारे सर परेशान हो गए हमसे बेचारे। ये देखो हमारी क्लास का टूटा हुआ आशिक, अभी उठा ब्लॉग देख के, लेट रखा पूरा। सो जी घर पहुंच चुके हैं, अभी अभी पहुंचे थे, चाय वाय पी लिए, और थोड़ा कुछ खाने वाने का सीन हो गया था क्योंकि जल्दी निकलते हैं कॉलेज के लिए, तो खाना वाना ऐसे ही चलता है आजकल, तो यही सीन हो रहा है खाने का। सो आज मैंने कहा था कि आपको अपना शेड्यूल बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या रहता है, बस यही था आज का शेड्यूल, तो मैं बता नहीं पाया, व्लॉग में लग गया, तो फीस वीस जमा करने चले गए थे दोस्त के साथ। देन बस अब घर आ गया, अब मैं पढ़ाई वढ़ाई में बैठूंगा, कुछ मेरा काम होगा वो करूंगा, उसके बाद सो जाएंगे, यही रहता है अपना पूरे दिन का शेड्यूल। शेड्यूल तो नहीं हुआ है, अ डे इन माई लाइफ वाला सीन तो नहीं हुआ है, बट ये व्लॉग फिर कभी देखेंगे, लेकिन आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। ज़्यादा लंबे लंबे व्लॉग मैं सोच रहा हूँ ना ही बनाऊँ, क्योंकि कंटेंट वगैरह तो आजकल बहुत कम मिल रहे हैं, कुछ कंटेंट मिल ही नहीं रहा है, घूमने कहीं जा नहीं सकते क्योंकि पेपर आने वाले हैं, पढ़ाई करनी भी जरूरी है। सो होप करते हैं आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।